दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करेंगे मेसी ट्रैक्टर्स के बारे में और यहाँ पर हम एक बेहतरीन ट्रैक्टर का आज आपके लिए पूरा का पूरा डिटेल में रिव्यू लेकर के आए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेसी 245 GI ट्रैक्टर के बारे में, जो कि लगभग 50 SP हॉर्स पावर के अंदर आता है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसके स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्राइस, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैं खास तौर से राजस्थान के भरतपुर आया हुआ हूँ, जहाँ पर कि मेसी के काफ़ी बड़े डीलर हैं कुमेर गेट के पास में। अगर आप मुझे भरतपुर के आसपास से देख रहे हैं तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमें ट्रैक्टर दिखाई देता है मेसी 245 DI 50 HP के साथ में आने वाला यह ट्रैक्टर, जो कि कंपनी ने अपने नए लुक के साथ में इसको लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों हम पूरा का पूरा आपको इसके स्पेसिफिकेशन डिटेल की चर्चा करें, उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि दोनों ही साइड में आपको मेसी 245 DI की बैजिंग मिलती है स्टिकर ग्राफिक्स के साथ में। साथ ही आगे की साइड में आपको मिलते हैं बोनट पर दो पावरफुल हेडलैम्प्स, यानी कि इसके हेडलाइट्स, जो कि नाइट के समय में काफ़ी दूर तक आपको रास्ता दिखाने का काम करती हैं। दोस्तों इस ट्रैक्टर के अगर हम इंजन के बारे में आपको बताएं तो यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है इस ट्रैक्टर के अंदर, जो कि इसको पावर देता है लगभग 50 SP के आसपास और 2700 CC के आसपास का ये इंजन होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेटोनरी ड्राइव सिस्टम मिल जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो पीछे के जो व्हील है वहाँ पर हाई टॉर्क जनरेट होता है, यानी कि ये एक मेसी का एक नया फीचर्स है प्लेटोनरी ड्राइविंग सिस्टम, जिससे कि हमारा जो पीछे के व्हील होते हैं उनको हाई टॉर्क मिलता है। साथ ही यहाँ पर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर की अगर हम लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो लगभग आपको 1700 kg की यहाँ पर आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है इस ट्रैक्टर के साथ में। और इस ट्रैक्टर की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस जो है स्टार्ट होती है लगभग 6.5 लाख रुपये से लेकर के 7,10,000 रुपये की रेंज में ये जो ट्रैक्टर हैं अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों ये ट्रैक्टर आपको पावर स्टीयरिंग और मैनुअल स्टीयरिंग दोनों ही रूप में आते हैं, तो इसकी प्राइस जो है आपके शहर में हो सकता है थोड़ी डिफरेंस हो सकती है। चलिए दोस्तों पीछे की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन इसकी साइड में पीछे की साइड में आपको पूरे फंक्शंस मिलते हैं, पल्टी पुलाव वगैरह चलाने की अगर आपको अटैचमेंट करना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। प्लस इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो आपको यहाँ पर 1700 kg के आसपास की मिल जाती है। PTO की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको 42.5 HP का पावर मिलता है PTO से, जहाँ पर कि लगभग 540 आपको PTO RPM यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि अमूमन हर ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, तो 540 आपको रेटेड RPM मिल जाते हैं PTO के। दोस्तों इस ट्रैक्टर के अगर हम डीजल की अगर खपत की बात करें तो लगभग 1 बीघा खेत के अंदर, 1 बीघा खेत को जोतने के अंदर लगभग 1 लीटर डीजल जो है ये खाता है। इस तरह की पूरी स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स वगैरह मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप अपना टूलिंग्स वगैरह रख सकते हैं। और ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों आपको जो ब्रेकिंग्स मिलते हैं वो ड्राई डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, यानी कि आपको ड्राई यानी कि सूखा ब्रेक सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाता है और 2 लोगों की साथदार बैठने की व्यवस्था यहाँ पर होती है। इसी तरह से दोस्तों आपको हाइड्रोलिक वगैरह के जो सिस्टम है वो पूरे के पूरे हर ट्रैक्टर के अंदर जो है देखने के लिए मिलते हैं, वही सारे के सारे सिस्टम आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ट्रैक्टर के अंदर आपको 8 गियर फ्रंट में और 2 गियर रिवर्स, इस तरह के यानी कि टोटल 10 गियर यहाँ पर मिलते हैं। और इस ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के बारे में आपको बताएं तो 12 बोल्ट के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। आगे के टायर आपको मिलते हैं 6/16 के और पीछे मिलेंगे आपको 13/6/28 के टायर, जो कि काफ़ी मजबूत और ज़बरदस्त ग्रिपिंग के साथ में आते हैं, जिससे कि आप कीचड़ वगैरह में भी आसानी से निकल जाएँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा, और चाहते हैं आप तमाम सारे वीडियोस देखना ट्रैक्टर्स की, उनकी लिंक मैं आपको वीडियो में मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं। दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है, जिससे कि आपकी जो ट्रैक्टर को जो मोड़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि आपको दिन रात ट्रैक्टर्स को खेतों में यहाँ वहाँ चलाना होता है, जिससे कि आपकी स्टीयरिंग पे लोड ना आए, तो यहाँ पर आपको मिलता है डबल एक्टिंग इसका पावर स्टीयरिंग सिस्टम, जिससे कि इजीली आप अपने ट्रैक्टर को जो है रोटेट कर पाते हैं, यानी कि मोड़ पाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो आप इसको एक हाथ के इशारे से मतलब आसानी से पूरा का पूरा इसको टर्न कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ड्राइवर के लिए काफ़ी सारे फीचर्स इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाते हैं। साथ ही मिलता है आपको दोस्तों यहाँ पर एक जो है छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसके ऊपर आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन शो होती हैं, फ्यूल गेज वगैरह है, टेम्परेचर कितना है, कितना चलना है, कितनी स्पीड पे दौड़ रहा है, इंजन RPM क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्लस सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं वो आपकी अप्रोच में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको ड्राई डिस्क ब्रेक सिस्टम मिलता है और क्लच मिलेगा आपको यहाँ पर डुअल क्लच,
यानी कि ड्यूल ड्राई टाइप का आपको यहाँ पर क्लच सिस्टम मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर, और काफ़ी सॉफ्ट इसके जो है पैडल हैं जिनको कि आप इजीली मतलब जो है प्रेस करके आप अपने ट्रैक्टर के जो फंक्शन से उनका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर जो ब्रेकिंग वगैरह मिलते हैं वो भी आपको ड्राई डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही आपको यहाँ पर पैर से दबाने वाला एक्सीलेटर भी मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो गियर सिस्टम मिलता है वो फ्रंट में मिलता है, यानी कि साइड टाइप के आपको यहाँ पर गियर सिस्टम नहीं मिलता है, आगे मिलते हैं। साइड में यहाँ पर आपको पीटीओ के जो गियर सिस्टम है वो मिल जाता है, प्लस उसके पास में आपको पार्किंग ब्रेक लीवर है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। इसकी सीट को भी जो है आप आगे पीछे कर सकते हैं आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर आप चाहें तो। यहाँ पर ट्रैक्टर के अंदर आपको 12 बोल्ट के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस मिलेंगे, साथ ही आपको इसका जो अल्टरनेटर मिलता है वो 12 बोल्ट का 36 एम्पियर वाला अल्टरनेटर मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अगर इसके टैंक की बात करें हम तो यहाँ पर आपको लगभग 47 लीटर के आसपास का इसका डीजल टैंक मिल जाता है जो कि ऊपर की साइड में फिट है बोनट के अंदर, और बोनट के अंदर ही जो है इसकी आपको बैटरी अंदर फिटेड मिलेगी। इंजन यहाँ पर आपको वाटर कूल्ड मिलता है 2700 सीसी के आसपास का, और 3 सिलेंडर इंजन होता है, पावरफुल इंजन है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को पूरा का पूरा मतलब सपोर्ट करता है, मतलब आपके हर प्रकार के काम के लिए ये ट्रैक्टर जो है काफ़ी सूटेबल एक ट्रैक्टर माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह का कुछ इसका क्लच मतलब इंजन का कंपार्टमेंट है जहाँ पर आपको इसका जो कूलिंग टैंक है वो मिल जाता है, यानी कि कूलेंट वाला टैंक मिल जाता है। बैटरी आपको काफ़ी सेफली जो है इसके बोनट के अंदर मिलती है जिसको कि कभी कोई लेके ना जा सके। तो दोस्तों यही सब जानकारी थी मैसी 245 DI के बारे में। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो किसान भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और किसी ट्रैक्टर के बारे में रिव्यू जानना चाहते हैं, सोनालिका है, आइशर है और ड्यूज फार है, उन सब की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनकी लिंक देख लें और उनके वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।